राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर बंद करने के एक ट्वीट डिलीट करने के बाद सोमवार को कांग्रेस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर निशाना साधा है। पार्टी ने ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि वह मोदी सरकार के फरमान के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि INCTV का ट्विटर हैंडल भी सोमवार की सुबह निलंबित कर दिया गया। बता दें कि ट्विटर के इस कदम की रविवार की शाम हुई कांग्रेस पार्टी के महासचिवों की बैठक में निंदा की गई थी और तय किया गया था कि इस मामले को सभी स्तरों पर ले जाना जाएगा। और इसे लेकर कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर खाते को अस्थायी रूप से निलंबित करने का मुद्दा पर महासचिवों, प्रभारियों और PCC अध्यक्षों की बैठक में चर्चा की गई थी। वहीं बता दें कि विपक्षी दल ने रविवार को आरोप लगाया था कि ट्विटर ने भारत सरकार के दबाव के कारण जल्दबाजी में काम किया। वहीं इसने कहा था कि ट्विटर का राहुल गांधी के ट्वीट को डिलीट करना और 9 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद उनकी तस्वीरें डालने के लिए उनके खाते को निलंबित करना चयनात्मक था, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें पोस्ट करने वाले कुछ अन्य हैंडल के खिलाफ ट्विटर की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं वेणुगोपाल ने कहा है कि ट्विटर का दोहरा मापदंड स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा से 2 दिन पहले 2 और 3 अगस्त को वैधानिक आयोग, भाजपा नेताओं और वैधानिक कार्यालय के लोगों ने इसी तरह की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की थी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 News के साथ।